फास्फोरस इंक्रीज होने लगता है तो कैल्शियम को ब्लड से कम किया जाता है। तो ब्लड से कैल्शियम को कम कैसे किया जाता है? कैल्शियम को डिपॉजिट किया जाता है बोन्स पे और टिश्यूज के अंदर। तो ये जब टिश्यू, ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है, तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जैसे हार्ट के वॉल्व हैं, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, यहाँ पे जो है कैल्शियम डेपोजिट होने लग जाती है और इन ऑर्गन्स की हार्डनिंग होने लग जाती है, ये ऑर्गन्स हार्ड होने लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन। चलें ज़रा यहाँ पर हमारी PPT अपलोड हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी स्टूडेंट भी जो हैं वो उतनी देर में ज्वाइन कर लें हमें। अच्छा जी, हाँ जी, इससे नेक्स्ट हम कौन चैप्टर स्टार्ट करें ये बताएं जी मुझे आप। एसिड बेस बैलेंस अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। एसिड बेस बैलेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं फेस टू फेस आप लोगों से डिस्कस करें। अगर और कोई सुजेशन है तो बताएं। अभी मैंने आपके साथ एनसीपी, सिद्रा क्या कह रहे हो, शोर का क्या कह रहे हो आप, फिर से शोर आ रहा है क्या? चले नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एनसीपी बनाते कैसे हैं, एनसीपी हमने कैसे बनानी है, और एनसीपीज जो हैं वो आपसे बनवाऊँगा भी, और आपने अब अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है। सो मुझे शाम में याद कराइएगा, मैं आपको एक सैंपल केस स्टडी जो है वो सेंड करूँगा। आप सब लोग अपने अपने हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। करना क्या है, हमने हमने फिर केस स्टडीज़ बनानी है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ के लिए जो गाइडलाइंस होंगी वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। राइट,
गाइडलाइंस आपको बता दूंगा, तो फिर आप लोग थोड़ा सा अपने क्लिनिकल्स के हवाले से जो ड्यूटी करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई पेशेंट सेलेक्ट कीजिएगा जिस दिन हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। और प्लीज़ बल्कि कहिएगा अपनी क्लास को कि कल वाली जो क्लास है, दोनों कल वाली जो क्लासेज हैं वो लाजमी अटेंड करें। ठीक है, लाजमी अटेंड करेंगे तो उससे कल जो है ना, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाता जाऊंगा एनसीपी बनाना। आप लोग अपने जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं उनकी फिर एनसीपीज बनाएंगे, और आप मतलब मैं फिर एक असाइनमेंट के तौर पे ना वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और हर बंदे ने पिछली असाइनमेंट्स की खैर है, और आप भी वाइवा के अंदर डिपिक्शन देखेंगे, जिन लोगों ने जितनी असाइनमेंट्स कम जमा कराई हैं उनके वाइवा में इतने कम मार्क्स हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, फेस टू फेस भी नहीं था, तो वाइवा उस तरह से तो नहीं ले सकता था मैं। वाइवा खैर नंबर तो लगाए हैं मैंने, बट आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, आपने जो असाइनमेंट्स जमा कराई हैं, जो आपने प्रीवियस टेस्ट के अंदर मार्क्स लिए हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आपके मोस्टली वाइवा के मार्क्स लगे हैं। तो अगर किसी के वाइवा में मार्क्स कम हैं, जो आप देखेंगे आपका फाइनल रिजल्ट जब आएगा, तो उसकी जस्ट रीज़न यही होगी कि बेसिकली आपने जो है असाइनमेंट जमा नहीं कराई, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर आपने टेस्ट जो है पुराने वाले अच्छे नहीं दिए। दूसरी बात ये है, अच्छा जी, वाइवा मार्क्स जो है ना वो आपके फाइनल रिजल्ट्स के साथ डिस्प्ले होंगे। जब मैं आपका रिजल्ट मैडम जुबैदा को भेज दूंगा, वो वाइवा के मार्क्स जो है ना वो डिस्प्ले करेंगी। ठीक है, रिजल्ट भाई कॉलेज ने देना है, कॉलेज वाले आपको बता देंगे रिजल्ट कब तक आएगा। मैं तो उन बना चुका हूँ और मैं बाकी उनको सेंड कर दूंगा। मैंने आपसे थ्योरी के मार्क्स के बारे में पूछ लिया था कि कोई क्योरी है तो बता दें, जिसने मुझे बता दिया, मैंने उनकी देख के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके करेक्शंस कर दिए हैं। अच्छा जी, सो हम थे जी मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर, विटामिन डी लूप और एंटेसिड्स, कैल्शियम बाइंडिंग एंटेसिड्स, कैल्शियम बाइंडिंग कुछ एजेंट्स होते हैं, एंटेसिड्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और एंटेसिड्स और फॉस्फेट बाइंडिंग जेल्स और एंटेसिड्स दिए जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी लूप डायूरेटिक्स देते हैं, नॉर्मल सेलाइन देते हैं आईवी, और फाइनली अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर डायलिसिस कर देते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग मैनेजमेंट, वही असेसमेंट करनी है, अवॉइड हाई फॉस्फोरस फूड, पेशेंट को टीच करना है रिलेटेड टू डाइट, फॉस्फेस कंटेनिंग सब्सटेंसेस रोक देनी है, साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है इन पेशेंट के अंदर, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स पे भी नज़र रखनी है। जैसा कि हमने ट्रोशियस साइन देखा था, वो दूसरा चौस्टिक साइन देखा था, उनके ऊपर भी नज़र रखनी है, सीयर्स आ सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए जी, हम ज़रा कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं 3 बजे से, तो अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक देता हूँ। 5 मिनट में आप लोग ज़रा पानी शानी पी के आए, मैं भी पानी शानी पी के आता हूँ, कॉन्टिन्यूसली बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग भी पानी पिए। 5 मिनट बाद फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। 5 मिनट बाद फिर हम हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है हाइपोकैल्सीमिया वो डिस्कस करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, सो अभी के लिए 5 मिनट की ब्रेक।
हाँ जी, तो हमारी ब्रेक ओवर हो गई। आ रहा है जी फिर से। जी क्लास अच्छा जी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। थोड़ा थोड़ा है अभी भी। चलो यार, कोशिश करते हैं इसको, हेडफोन को बदलते हैं नेक्स्ट टाइम से ना। चलें, सो व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोरीन? जी कोई बताएगा, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोरीन ब्लड? जी व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोरीन इन ब्लड? जी व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोरीन इन ब्लड? ठीक है, तो मोस्टली जब भी हम सोडियम कराते हैं उसके साथ क्लोरीन भी होके आता है। ठीक है, सो नॉर्मल लेवल इज 97 इक्विवेलेंट पर लीटर से 106, 105, 107 कुछ लोग कहते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम अपनी बुक के बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो बुक में हमारे पास 107 है। अच्छा जी, तो कॉजेस क्या हैं इसकी? नंबर वन इज एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज क्या होती है कोई बताएगा? तो एडिसन डिजीज जो है, दिस इज एड्रीनल इंसफिशिएंसी। तो एड्रीनल जो कॉर्ड, एड्रीनल ग्लैंड होता है उसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स निकलते हैं। सो जब एडिसन डिजीज होती है तो उसके अंदर भी क्लोरीन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर। एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी सोडियम का लेवल कम होगा उसके साथ क्लोरीन का लेवल भी कम होगा। सो क्लोरीन इनटेक अगर कम कर दी जाए उस सूरत में भी, जीआई लॉसेस के अंदर, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह,
डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो जाए उसमें भी हाइपोकैलोरीमिया हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग। सो स्वेटिंग जो है उसके अंदर जाहिर है वो आप कह सकते हैं कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो उसके अंदर लॉस होता है एक्सेसिव स्वेटिंग के अंदर, तो क्लोरीन और सोडियम दोनों कम हो जाते हैं। फीवर के अंदर क्लोरीन कम होता है, बर्न्स के अंदर कम होता है, मेडिकेशंस लाइक ठीक है जी, तो मेडिकेशंस जैसा कि वो आपके डायूरेटिक्स हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर भी हाइपोकलोरीमिया हो जाता है। अच्छा ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आपने इसलिए नहीं छोड़ देनी कि वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर थे वो मैंने आपको बताए, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम पोटाशियम और सोडियम, लेकिन बाकी भी पढ़ने हैं, क्या पता कोई मेरे जैसा टीचर हो और वो इनमें से एग्जाम बना दे। अच्छा जी, सो लॉस ऑफ क्लोराइड अकर विद लॉस ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम एंड सोडियम, पोटाशियम और सोडियम दोनों के साथ क्लोरीन भी लॉस होता है। मैनिफेस्टेशन में एजिटेशन है, बंदे को सुकून नहीं आता, इरिटेबिलिटी है, इरिटेबल रहता है, वीकनेस फील करता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल्स होती है, ट्विचिंग होती है मसल के अंदर, इसमें भी सीयर्स होते हैं, कोमे में जा सकता है बंदा, और नॉर्मल कार्डियक रिदम्स चलते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में रिप्लेस क्लोराइड आईवी नॉर्मल सेलाइन और 0.45% नॉर्मल सेलाइन या हाफ सेलाइन जो है उसके अंदर क्लोराइड डाल के लगा दिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट है अवॉइड फ्री वाटर, फ्री वाटर लेंगे तो डेफिनेटली वो क्लोराइड और ज़्यादा जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा बॉडी के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए फ्री वाटर नहीं देना, ओआरएस वगैरह इस्तेमाल कराना है। इनकरेज हाई क्लोराइड फूड्स, हाई क्लोराइड फूड्स दें जैसा कि नमक है, पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू हाई क्लोराइड फूड, पेशेंट को टीच करें हाई क्लोराइड फूड देने के लिए। और किस किस चीज़ में क्लोराइड पाया जाता है नमक के अलावा जी क्लास? हाँ जी, और कौन सी डाइट्स के अंदर सोडियम पाया जाता है? ठीक है जी, टोमेटोस के अंदर, सी फूड के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं, हमारा लास्ट इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। सही, ऑलिव्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरक्लोरीमिया, तो हमें पता है कि अगर लेवल 107 से ऊपर हो जाए तो हाइपरक्लोरीमिया होगा, एक्सेसिव सोडियम क्लोरीन की इनटेक, इन्फ्यूजन विद वाटर ऑफ ये सोडियम की इन्फ्यूजन्स के साथ वाटर लॉस होने की सूरत में, डिहाइड्रेशन की सूरत में, यानी कि हेड इंजरी हो जाए, हाइपरनेट्रीमिया के साथ हाइपरक्लोरीमिया भी एग्जिस्ट करता है, डिहाइड्रेशन हो जाए, सीवियर डायरिया के अंदर भी हाइपरक्लोरीमिया हो सकता है, उसमें मोस्टली क्लोरीन लॉस नहीं हो पाता, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, हाइपर पैराथायरायडिज्म के अंदर, और बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो हाइपरक्लोरीमिया करवा देती हैं, वो मेडिसन्स जिनके अंदर क्लोरीन है वो पाई जाती है या सोडियम पाया जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर टेकिपनिया, सांस तेज हो जाता है, लिथार्जी, बंदा थका हुआ फील करता है, वीकनेस होती है, रैपिड डीप रेस्पिरेशन हो जाती है यानी कि टेकिपनिया, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉग्निटिव चेंजेस आ जाती हैं, बंदा ड्राउजी ड्राउजी सा, कंफ्यूज कंफ्यूज सा फील करता है। देर इज नॉर्मल सीरम आयनाइन गैप, एनायन गैप जो है वो इंशाल्लाह ताला हम जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ें सॉरी एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ेंगे उसमें एनायन गैप का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, सोडियम बाइकार्बोनेट्स देते हैं इसके अंदर, और डायूरेटिक्स दिए जाते हैं क्लोरीन को एक्सक्रीट कराने के लिए। असेसमेंट पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू डाइट एंड हाइड्रेशन,
असेसमेंट की जाती है, पेशेंट की टीचिंग रिलेटेड टू डाइट एंड हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और ये डाइट से आपने परहेज़ करना है, ये चीज़ें पेशेंट्स को बताई जाती हैं। सो दीज आर द रेफरेंस एंड दैट वॉज ऑल अबाउट अवर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बैलेंस। अब मुझे आपने ये बताना है कि टेस्ट कब देना आपने इसका। जी आई थिंक हमारा फर्स्ट सैटरडे टेस्ट के लिए होता है या सेकंड सैटरडे टेस्ट के लिए होता है। टेस्ट के लिए कौन सा वाला डे है हमारा वैसे? जी टेस्ट के लिए कौन सा वाला डे है? टेस्ट के लिए हमारा कौन सा वाला सैटरडे है मंथ का? मंथ का जी टेस्ट के लिए कौन सा वाला सैटरडे है हमारा मंथ का? क्योंकि मंथ के चारों सैटरडेज के ऊपर टेस्ट को डिवाइड किया गया था ना। जी कौन सा वाला सैटरडे रखें जी? टेस्ट ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ये। आई थिंक नेक्स्ट, मैं आपका ज़रा एक मिनट स्केड्यूल देख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ।
कन्वर्शन आ रही है एक सेकेंड सैटरडे जो है इस मंथ का वो आपका टेस्ट भी बनता है और सेकेंड सैटरडे जो है वो 15 को आ रहा है। सो जो 15 वाला टेस्ट है उसके अंदर दो टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। नंबर वन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड नंबर टू वी हैव नर्सिंग प्रोसेस। दोनों का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है तो लिहाजा हम ये दो टॉपिक्स जो है इनकी इंक्लूड करेंगे और इसके ऊपर हम टेस्ट देंगे जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है 15 वाला। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, पहले भी आपने एग्जाम भी पढ़ा होगा तो प्लीज। अच्छा जी, तो नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा यार ठहरो, अच्छा जी, हाँ जी, आप आवाज ठीक आ रही है आपको मुझे बताएं। हाँ जी, अब बताएं आवाज़ ठीक हुई या नहीं, टेस्ट की समझ आ गई आप लोगों को जी? क्लास टेस्ट की समझ आ गई है? हाँ जी बोलें, क्या पूछना था बताएं जी, बताएं क्या पूछना था जी। हीरा, मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर ढूंढ के ज़रा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वेट करें।
मुझे एक नहीं नोट्स से नहीं बुक से करना है आपने, नहीं नर्सिंग प्रोसेस नोट्स नोट्स से भी करना है और बुक से भी करना है, और कोशिश करना है वो जो कूजियर एंड अर्ब की बुक है ना फर्स्ट ईयर की आपकी, तो उससे करें आप। बुक से ही करना है, बुक से ही करना है जी। अरे बताइए, मैंने आपको केयर ऑफ क्लाइंट विद सेक्सुअल वायलेंस पढ़ा दिया हुआ है, केयर ऑफ क्लाइंट विद सेक्सुअल वायलेंस पढ़ा दिया हुआ है, बताया अच्छा जी, अभी नहीं पढ़ा। चलें, मैं अपलोड कर रहा हूँ नया लेक्चर, तो जैसे ही अपलोड हो जाता है तो हम इसको करते हैं। आप फिर ऐसा करें उतनी देर 10 मिनट की जो है ना एक छोटी सी ब्रेक लेकर आएं, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं और आज हम छोटा सा जो है ना इंट्रो ही पढ़ सकेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उतनी देर वो फाइल अपलोड हो जाती है। चलें जी, ब्रेक करें। सॉरी, 4:50 लिखना था, मैंने 40 लिख दिया, तो इसको आप 50 समझें। 4:50 तक वापस आते हैं, मैं उतनी देर आपकी पीपीटी अप करता हूँ ढूंढ के। सो पीपीटी अपलोड हो जाती है, फिर हम जो है ना आगे इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला जो है चैप्टर। नहीं जी, नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी वाला नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ना है वो मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूँ। ये देखो जी, एथिकल एंड लीगल इश्यूज पढ़ेंगे, आपका यूनिट नंबर 6 है ये, 6, केयर ऑफ क्लाइंट विद साइको सोशल डेलीमा। ठीक है, केयर ऑफ क्लाइंट विद साइको सोशल डेलीमा, और इसके लिए मैं आपको इस वीकेंड पे एक असाइनमेंट भी दूंगा।
जी फाइव 450 पे वापस आके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको इस। अच्छा जी चलें वापस ज्वाइन कर लें, और अगर कोई यहाँ पे नहीं भी है उसे भी बताएं कि वापस ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो है नेक्स्ट इसका इंट्रो देने लगा हूँ इस वाले चैप्टर का। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का वो यूनिट नंबर 6 है, और उस यूनिट का नाम है केयर ऑफ क्लाइंट विद साइकोसोशल डिलेमा। ठीक है, बट द थिंग इज वो जो केयर ऑफ क्लाइंट विद साइकोसोशल डिलेमा है, वो जो चैप्टर है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, एज सच वो किसी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पंजाब में वो एज एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन क्रिटिकल केयर या नर्सिंग ये पढ़ाया जाता है वहाँ पे, तो ये यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं कुछ लोग जो डिलेमा है इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करते हैं 8 स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, कि उसमें डिफरेंट एजेस और डिफरेंट लेवल के ऊपर डिलेमा रहता है। तो वो जो स्टेजेस हैं वो भी हमने पढ़नी है, हमने ये भी पढ़ना है। और नेक्स्ट वीक के लिए मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट अपलोड करने वाला हूँ। अच्छा, होगा ऐसा कि वीक में हमारे क्योंकि 3 लेक्चर्स होते हैं, तो 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये एथिकल लीगल इश्यूज पढ़ा करेंगे, और 1 लेक्चर के अंदर हम एनसीपी बनाना सीखेंगे। ठीक है, जो वेनसडे वाला लेक्चर हुआ करेगा उसके अंदर हम एनसीपी बनाना सीखा करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर हुआ करेगा जो क्या कहते हैं मैंने से थर्सडे वाला, उसके अंदर हम लोग जो है ना एथिकल एंड लीगल इश्यूज पढ़ा करेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलेंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देने लगा हूँ। असाइनमेंट ये है कि आपने याद करके आना है एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस आपने याद करके आनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने साइको सोशल डिलेमा की डेफिनेशन लिखनी है, डिलेमा की टाइप्स लिखनी है। ठीक है जी, ये जो असाइनमेंट है इसकी डेडलाइन जो है वो आपके नेक्स्ट वेनसडे तक है। ठीक है जी, नेक्स्ट वेनसडे तक आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है।
नंबर वन एरिक एरिक्सन की स्टेजेस, और नंबर टू डिलेमा क्या होता है, साइकोसोशल डिलेमा क्या होता है, और डिलेमा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। अगर कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से तो पूछ लें, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जी। रिपीट कर दें, रिपीट ये है, आपने असाइनमेंट बनानी है, व्हाट इज साइकोसोशल डिलेमा। ठीक है, साइकोसोशल डिलेमा क्या होता है, नंबर वन, नंबर टू डिलेमा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, नंबर थ्री, नंबर थ्री पे आ जाएगा जी आपका व्हाट आर द यू कैन से के जो एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट की, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो होगी असाइनमेंट होगी। और सी आर अगर आपने सुना है हबीब, और आप लोगों ने अगर सुना है तो प्लीज़ जो है ना इसको आप एक टेक्स्ट बना के ग्रुप के अंदर शेयर कर देना मेरे ACCN वाले में कि असाइनमेंट बेसिकली मैंने क्या दी है जी। कुछ सवाल है तो बताएं, फिर हम इसका जो बाकायदा आगाज़ है एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ का, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे जी। सो समझ आ गई सारी। हबीब एक मैसेज बना के ना, बेशक उर्दू में बनाना, इंग्लिश में बनाना, जैसे भी बनाना, ये बना के भेज देना। ठीक है जी, ओके, चलें आज यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और असाइनमेंट आपने नेक्स्ट वेडनेसडे तक जो है स्लैम्स के ऊपर अपलोड करनी है। असाइनमेंट मैं आज इंस्ट्रक्शंस के साथ अपलोड कर देता हूँ स्लैम्स के ऊपर। चलें, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, प्लीज़ बुक से पढ़ते रहिएगा, टेस्ट की अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, राइट। ठीक है, एरिक एरिक्सन नीलम।